है गाइस, दिस इज दीपक मौर्या। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद जो आगे का चैप्टर है जो उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको जो फार्मूले है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये सब आप लर्न कर लीजिए। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स 1/x, ये फर्स्ट फार्मूला था। कॉस किसका इन्वर्स होता है, तो कॉस एक का, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। और कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू होता है सेक इनवर्स 1/x, यहाँ पर एंगल है सो पलट जाता है, एंगल पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल है से पलट जाता है, 1/ अपॉन में आ जाता है एंगल टेन। उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉट इनवर्स 1/x, उसी प्रकार यहाँ पर जो तीन फार्मूले उसका उसी का इन्वर्स कर दीजिएगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 1/x, ये भी हो गया। सेक साइन सेक इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स 1/x, ये भी हो गया। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स 1/x, तो ये फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा। टेन इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू, ये होता है साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स इजकल टू पाई बाई टू। तो ये सारे आप लर्न कर लीजिएगा, शो कर देते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में आगे जो मूव करेंगे इस चैप्टर में अंदर तो बहुत यूज आएगा इस क्वेश्चन, इस फार्मूले पर बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से टेन इनवर्स माइनस उसी को माइनस यहाँ पे लगा दीजिए तो ये फार्मूला भी लर्न हो जाएगा, ज़्यादा इस खास है नहीं। यहाँ पर आप तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला जान लीजिए। तो ये टेन इनवर्स एक्स, इसको हम साइन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार टेन टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर टू, इसको हम कॉस में चेंज करते हैं तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार टू टेन इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप लर्न कर लिए होंगे। अब चलिए आगे का क्वेश्चन कुछ है जो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रूव करने वाला, तो आप ध्यान से देखिए। थ्री साइन इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन ये प्रूव करने के लिए है, तो यहाँ पर हम लोग LHS से प्रूव नहीं कर सकते, LHS से तो हम लोग RHS से LHS की तरफ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर साइन थीटा पुट कर लेते हैं तो ये पूरा जो है ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये हो जाता है साइन 3θ। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x इजकल टू साइन थीटा, अगर साइन इधर की ओर मूव करेगा, साइन इधर की ओर मूव करेगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर थीटा का मान निकल जाएगा, तो थीटा इजकल टू हो जाता है साइन इनवर्स x और x को हम लोग लेट के साइन थीटा। तो ये आगे यूज होगा, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स इजकल टू यहाँ पर थीटा पुट के थीटा x के जगह पर साइन थीटा पुट किए तो 3 sin θ माइनस 4 sin 3θ। तो आगे देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा साइन 3θ इजकल टू साइन 3θ इजकल टू 3θ। यहाँ पर आप कुछ बातें समझ लीजिए, यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा इजकल टू होता है थीटा, या इसी के साथ अगर कॉस रहता या कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो हो जाता है थीटा। तो इसी प्रकार आप समझ लीजिए यहाँ पे थीटा कैसे लिखे हैं, यहाँ पे 3θ कैसे लिखे, और थीटा को हम लोग लेट किया था यहाँ पे जहाँ पर हम लोग पहले लेट कर रहे थे, यहाँ कहाँ लेट किए थे यहाँ पर, तो हम लोग थीटा इजकल टू लेट कर लिए थे साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखिए पुट कर दिए थीटा की जगह पर यहाँ पर लिख दिए साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 3 sin 1x और ये प्रूव हो गया। चलिए आगे करते हैं, अभी आगे फिर मूव कर। उसी प्रकार देखिए, 3 cos 1x इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 4x³ माइनस 3x। तो ये भी सेम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस वही जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए उसी प्रकार इस ये ब्रैकेट में जितना x के जगह पर हम अगर cos थीटा रख दे तो ये cos 3θ का फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ चलिए x इजकल टू लेट कर लेते हैं, इसमें भी x इजकल टू cos 3θ और थीटा इजकल टू हो जाता है cos इनवर्स एक्स
तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट में फोर एक्स के जगह पर डाले कॉस क्यू थीटा हो गया, और फिर भी एक्स के जगह पर डाले कॉस तो हो गया थ्री कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थ्री थीटा और यहाँ पर हो गया थ्री थीटा, तो यहाँ पर थ्री कॉस इनवर्स एक्स पहले हम समझा दिए थे प्रीवियस वीडियो में, फिर भी समझा देते हैं। देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इजक्ल टू होता है थीटा, यहाँ पर थीटा यहाँ पर थ्री थीटा है, तो यहाँ पर थ्री थीटा हो गया, और थ्री थीटा हो गया हम लोग लेट किए थे ऊपर, देखिए यहाँ पर लेट किए थे, देखिए एक्स इजक्ल टू कॉस थीटा, तो कॉस अगर इधर मूव करेगा तो हो जाएगा थीटा इजक्ल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स ये प्रूव हो गया आर एच एस एल एच एस, यहाँ पर सेम आर एच एस से एल एच एस प्रूव किए। तो चलिए आगे देखिए, जो आपको फार्मूला बताए थे टेन इनवर्स, तो यहाँ पर टेन इनवर्स टू अपॉन एलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन अपॉन 24। तो देखिए फार्मूला हमको लर्न किए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इजकल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो चलिए इसी पर डाल लेते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स लिख लिया यहाँ पर, एक्स के जगह पर हम लोगों ने नोट किया क्या टू अपॉन एलेवन, और वाई के जगह पर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सेवन अपॉन 24। तो यहाँ पर टू अपॉन एलेवन एक्स के जगह पे, और उसके बाद सेवन अपॉन 24 और वन माइनस एक्स वाई, तो एक्स के जगह पर टू अपॉन एलेवन टू अपॉन 24। तो देखिए टेन इनवर्स 48 जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 264 हो जाएगा एलसीएम, उसके बाद यहाँ पे कुछ वही माइनस प्लस करना है, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन वही कहानी, तो ये पहले से करके रखे हुए हैं जो आप लोगों को टाइम बचे। तो यहाँ पर 48 प्लस 77 उसके बाद यहाँ पे अपॉन किए, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 125 अपॉन 25। तो इसको अगर कट कीजिएगा कैंसिल कीजिएगा तो ये आ गया 1/2 आर एच एस प्रूव हो गया। सेम वही क्वेश्चन देखिए 2 × 10 inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/2, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे बट यहाँ पर है देखिए 2 है, तो इसको पहले 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पहले आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए 2 × 10 inverse x पहले ही बताए हुए थे जो क्वेश्चन फार्मूला लर्न किए हुए थे, फिर भी देख लेते हैं 10 inverse 2x अपॉन 1 − x2, तो ये 10 में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको। तो यहाँ पर देखिए कन्वर्ट किए तो यहाँ पर 10 inverse 2 1/2 यहाँ पर x के जगह पर 1/2 रखे, उसके बाद 1 − 2 का स्क्वायर किए तो 1/4 आ गया, प्लस जो पहले से था यहाँ पे वहाँ पे सेम लेट सॉरी यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 2 लिखा गया, यहाँ पर भी 7 1/7। तो चलिए आगे चलते हैं, तो बस वही अगर सॉल्व कर लिए देखिए यहाँ पर, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये आया, उसके बाद देखिए 10 inverse 4/3 प्लस 10 inverse 1/7। तो देखिए आगे जो कैलकुलेट करेंगे वही फार्मूला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बोले थे कुछ पहले, तो वहीं पे देखिए 10 inverse x + y − 1 − x y, यहाँ पर देखिए उसी फार्मूला पे सेट किए हैं। तो देखिए 10 इनवर्स यहाँ पर कुछ कैलकुलेट कीजिएगा और आपका इतना आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसी के तरह आपको जो ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समाप्त हो गया, अगर इसी तरह के सेकेंड पार्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ आप देख रहे हैं उसके नीचे टाइप कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर लिखा होगा पार्ट टू, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ये सारे चीज़ें फिर से देख सकते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।